ओ भाई, ये यूट्यूबर क्या मूवमेंट कर रहा है भाई साहब। क्या डीपीआई यूज करता होगा ये भाई, बताओ ना तुम क्या डीपीआई यूज करते हो? नहीं सीक्रेट है। अच्छा ठीक है ठीक है, 1072 डीपीआई यूज करता हूँ मैं। थैंक यू। एक और बंदे का टूटिया ताप दिया मैंने। ऐसे कर करके ही मैं सबका मोबाइल खराब कर दूंगा और फिर मैं ऑटोमेटिकली ही ग्रैंड मास्टर वन पे आ जाऊंगा। शाबाश बेटा। सो व्हाट गाइस, किसको आप लोग आई होप तो अच्छे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले डीपीआई के बारे में। डीपीआई एक ऐसी चीज है जिसको हर एक यूट्यूबर यूज करते हैं, और इसको अगर तुम सही यूज करो और सही तरीके से यूज करो तो तुम ऐसे हेडशॉट और वन शॉट या फास्ट मूवमेंट एकदम इजीली कर पाओगे। ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट अगर ये गलत होगा तो फिर तो हाँ ये सब भी हो सकता है, बस ये नहीं होगा। बट हाँ, मोबाइल बहुत ज्यादा गर्म होने लगेगा और लैग भी होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए डीपीआई सही होना एकदम से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आज के वीडियो में परफेक्ट डीपीआई सेटिंग बताऊंगा तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग, जिसको यूज करने से ये सब चीज तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा देखना, तो चलो गाइस ना गाइस के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस मैं बताओ कि तुम्हें क्या डीपीआई यूज करना चाहिए तुम्हारे डिवाइस के अकॉर्डिंग। उससे पहले ये सुन लो कि तुम्हें तो पता है कि अभी अपडेट कर तुम 200 तक सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो, तो मैं डीपीआई के साथ तुम्हें उसका सेंसिटिविटी भी सजेस्ट कर दूंगा कि अगर तुम इतना डीपीआई यूज करते हो तो कौन से सेंसिटिविटी की तरफ जा सकती हो। तो बढ़ते पहले डिवाइस की तरफ, जिसमें ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा परसेंट बंदे खेलते हैं, वो है लो एंड डिवाइस 4GB रैम मोबाइल। मुझे पता है तुम इससे बहुत सारे बंदे लोग उसमें खेलते हैं, या फिर 3GB रैम मोबाइल या 2GB रैम मोबाइल में खेलते हैं अभी भी कुछ बंदे। तो उनको क्या डीपीआई यूज करना चाहिए, उस डीपीआई के साथ क्या सेंसिटिविटी यूज कर सकते हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीपीआई को कैसे ऑन कर सकते हैं। डायरेक्ट तुम्हें ऐसे डीपीआई सेटिंग तो नहीं मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, अबाउट फोन में जाओ मोबाइल के सेटिंग में, इसे 7 से 8 बार क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। अगर आप ऐसे करके डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं कर पा रहे, मीन्स आपके मोबाइल में अलग तरीके से डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है और आपको नहीं पता, तो कुछ मत करो, यूट्यूब पे जाओ, तुम्हारे मोबाइल का नाम डालो और डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं वो लिख दो, तो आ जाएगा बहुत सारे वीडियो, तो उसमें से कोई से भी वीडियो को क्लिक करो और देखो डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं। डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद डेवलपर ऑप्शन में जाओ और नीचे तुम्हें डीपीआई देखने को मिल जाएगा स्मॉल विद करके, ठीक है। तो इसमें क्लिक करते ही तुम्हारा जो डिफॉल्ट डीपीआई है उसको चेंज करके मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें कितना डीपीआई यूज करना है। तो सबसे पहले लो डिवाइस से स्टार्ट करते हैं, तो आपको डीपीआई यूज करना है 50-60% के बीच में, मींस जितना भी डीपीआई है, मींस जितना भी डीपीआई 280 320 310 जितना भी डीपीआई उसमें 50-60 प्लस कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने 60 प्लस कर दिया है, तो तुम्हें इतना डीपीआई प्लस करने के बाद तुम्हें सेंसिटिविटी यूज करना है कुछ ऐसा। हाँ हाई सेंसिटिविटी पे खेलना है, इसमें तुम सेंसिटिविटी कम नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइस का ऑलरेडी सेंसिटिविटी कम होता है, और ज्यादा डीपीआई मैं इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि लो डिवाइस है, ज्यादा डीपीआई कर दूंगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, मोबाइल जल्दी से गर्म होने लगेगा, लैग भी होने लगेगा, इसलिए ज्यादा डीपीआई नहीं बढ़ाओ, सेंसिटिविटी फुल कर दो, जनरल सेंसिटिविटी को फुल कर दो, 2-scope 4-scope को इतना रख सकते हो। अभी बात करते हैं गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में, मीडियम डिवाइस के बारे में, 6GB रैम के बारे में। इसमें भी तुम्हें से बहुत सारे बंदे लोग गेम खेलते हैं, कमेंट करके बताना तुम्हें से कौन से बंदे कौन से डिवाइस में खेलते हो। तो अगर तुम 6GB रैम में खेलते हो तो इसमें तुम डीपीआई 100 तक बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई डिवाइस के कैटेगरी में आ जाता है, इतना भी हाई डिवाइस नहीं है, मतलब बोल सकते हो बीच का ही है, नहीं लो डिवाइस है नहीं हाई डिवाइस है। तो इसमें तुम 100 तक डीपीआई बढ़ा सकते हो, 100 से ज्यादा डीपीआई मत बढ़ाना नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी अच्छा ही होता है। और बात करो सेंसिटिविटी क्या यूज कर सकते हो, तो ये सेंसिटिविटी की तरफ जा सकते हो, और अगर तुम्हें मूवमेंट बहुत ज्यादा पसंद है तो इसको तुम 200 तक भी कर सकते हो, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा गोली रिक्वायर मारेगा शुरू के टाइम पे, तो शुरू में तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रेनिंग में जाके, जिससे तुम थोड़ा सा ड्रैग को एडजस्ट कर पाओ न्यू सेंसिटिविटी न्यू डीपीआई के हिसाब से, जिससे तुम लोग एकदम इजिली पहले से भी बहुत अच्छा हेडशॉट मारना स्टार्ट कर दोगे और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो 100 डीपीआई की तरफ जा सकते हो और ये सेंसिटिविटी की तरफ जा सकते हो, और स्कोप में इतना ज्यादा सेंसिटिविटी मत करके रखना नहीं तो गोली रिक्वायर मारने लगता है, ठीक है। अभी बात करते हैं गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में, हाई एंड डिवाइस के बारे में, 8GB रैम मोबाइल, 2 16 जितना भी जीबी रैम मोबाइल में खेलते हो तुम लोग, तो तुम्हें क्या डीपीआई यूज करना चाहिए। तो सच बोलूं मैं कितना यूज करता हूं पता है, अगर मैं रेडमी में खेलता था तब तो जितना भी मेरा डीपीआई है उसको मैं 420 कर देता था, नहीं तो 450 तक कर देता था, मीन्स 310 है तो मैं 450 तक कर देता था, मतलब इतना करता था। इतना याद रखना डीपीआई तुम यूज करते हो ना हद से ज्यादा यूज करते हो, ये तो फिर भी कम डीपीआई है, ठीक है। अगर तुम ज्यादा डीपीआई यूज करते हो, बहुत सारे बंदे लोगों को देखा मैंने 500, 600, 700 तक डीपीआई को यूज करते हैं, उतना डीपीआई यूज करने से कि ना तुम्हारे मोबाइल का जो लाइफ होता है ना वो कम हो जाता है, जिससे मतलब मोबाइल जो है 1-2 साल में जो खराब होने वाला था वो 1 साल में भी खराब हो जाएगा, और तुम्हें पता है कि हर एक बंदे का खुद का मोबाइल नहीं होता,
मम्मी का मोबाइल होता है तो पापा का मोबाइल होता है, तो इसलिए मैं बोलूंगा डीपीआई कम यूज करो। तुम लोग ने बहुत सारे प्लेयर को देखा रहेगा जो हेडशॉट मारते, रेड नंबर ही हेडशॉट मारते, तुम्हें लगता है वो डीपीआई यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर प्लेयर पीसी में खेलते हैं और पीसी में तुम पैनल लगा सकते हो, बहुत सारी चीज लगा सकते हो, ठीक है, जिससे हेडशॉट मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अगर मोबाइल में खेलते हो और तुम फेयर गेम प्ले करते हो तो तुम्हारे बॉडी कनेक्ट होंगे ही होंगे, और ये कुछ गलत बात नहीं है, ये गंदी बात नहीं कि तुम्हारे बॉडी लगते हैं, बॉडी सबके लगते हैं, अच्छी बात है। तुम्हें बस बंदे को मारने आना चाहिए, तुम्हारा जो आई क्यू वो मैटर करता है। ये सब बंदे का मत देखते बैठो कि भाई ये इतने गंदे हेडशॉट मारते, सिर्फ रेड नंबर हेडशॉट मारते, रैंक में भी मारते, कस्टम में भी मारते, भाई इनको छोड़ो, ये पैनल यूज करते हैं और दिखाते हैं मोबाइल में खेल रहे हो और खेलते पीसी में, इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत किया करो। चलो गाइस आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं तक वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड पीस।